संभाग लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी गाँव मिले हैं। कर्नल साहब ने परसों मेरे साथ थे, कल उनका पार्टी से कहीं कमिटमेंट आ गया, वो चले गए। अदरवाइज ही इज विद मी। आज चालू रहा भविष्य की नीति कर्नल फैसला के तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप मोमबत्ती को सूरज के सामने लेके जाओगे तो मोमबत्ती पिघलेगी ना, सूरज की कमी होगी नहीं। आज कर्नल साहब जो इस बात है, गुजरात समाज को आरक्षण को लेकर बड़ा मूवमेंट चलाया आपने 10-11 साल। हर बार 10-11 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, अभी भी वो जाके अड़ गया। उसके मद्देनजर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो जैसे उनका नेतृत्व है कोई है ही नहीं। आप ये देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो भारत को आगे लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ सुबह से बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं कि कर्नल साहब हमें आपसे मुलाकात करनी है, कर्नल साहब से बात करनी है। आपने 2 दिन से जो आपने मीडिया के फोन है, फिर हमने बोला कि जो आरक्षण का मसला चल रहा था वो तो बीजेपी पार्टी सेम होने के कारण निपट सकता था, तब आपने बीजेपी की ओर रुख नहीं किया। क्या कारण? 5 साल पहले प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, वो उनकी सरकारें थी, दोनों भाजपा सरकार तो बनेगी, सरकार तो बन रही है, सरकार तो बन रही है। इन केस है नहीं, कोई भी भविष्य आता नहीं है। हम लोग तो संभावना है, आपकी संभावना, हमारी संभावना तो कहती है कि ऐसी कोई संभावना होने वाली नहीं। बीजेपी बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं। आप किसी को भी देख लीजिएगा, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, कहीं पर भी, एक तरफ आपको एक रोबस्ट लीडरशिप है और वहीं से निकले हुए सारे। हमने पहले तो हम इसमें बिजी रहे और इतने बिजी रहे कि हम इस तरफ देख भी ना पाए, लेकिन जब हमारा मुद्दा हमको सफलता की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो वी हैव स्टार्टेड लुकिंग एट दिस साइड आल्सो। इन केस अगर ऐसा हुआ, मान ले करेगा बीजेपी को, जहाँ तक टिकट न देने का सवाल है, मैं तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये तो ऊपर वाले जाने, टिकट बांटने वाले जाने, उनकी नीति रीति जाने, उनकी आइडियोलॉजी जाने। लेकिन अब के जो कुछ हुआ है उसका प्रतिफल वोटर अवश्य देगा। ये आपका ये सामाजिक फैसला है या सिर्फ आप कर्नल? मेरा नहीं, ये सामाजिक फैसला है। आप कहीं भी जाके देख लीजिएगा, द वोटर विल पे बैक इन द सेम कॉइंस। माहौल बहुत बढ़िया लगा, बहुत कंड्यूसिव लगा। Wherever I went, I found a positive response, a tremendous amount of response, and what I found and what has rather enhanced my personal opinion about it is we have developed, my team and the voters have developed a genuine sense of belonging which is rare of the rarest. आपके समाज में ओम प्रकाश बढ़ाना, भाजपा में जिले की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा वही है, ओम प्रकाश भटाना जी, प्रदेश ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष। मैं 14 वर्ष से काम कर रहा हूँ, सबको देखा, समझा, परखने की कोशिश की। मुझे बीजेपी की रीति नीति अच्छी लगी, वे ऑफ वर्किंग अच्छा लगा, सिस्टम अच्छा लगा। और अबोव ऑल दिस, what has attracted me towards BJP is unique personality cult of our Narendra Modi sir, the great Prime Minister. अगर यदि मैं उनको इतिहास देख के समुद्रगुप्त इनकारनेट कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बड़ी बात। 5 साल पहले बीजेपी स्टेट में भी थी। मैंने बीजेपी कोई शर्त पर या कंडीशंस पर ज्वाइन नहीं की, मैंने बीजेपी कोई प्रलोभन के लिए ज्वाइन नहीं की, मैंने बीजेपी को अपने सिद्धांत से ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ ही सामाजिक सेवा का जहाँ तक प्रश्न है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट आई विल गो ऑल आउट टू सर्व माई पीपल, दे नीड अस। आरक्षण का मुद्दा फिर आएगा तो क्या आप बीजेपी के साथ बने रहेंगे? देखिए, आरक्षण का जहाँ तक मुद्दा आएगा बीजेपी के साथ तो मैं बना रहूँगा और बीजेपी से भी ये कहूँगा कि हमें न्याय दिलाएं। ठीक है, आपके सन टिकट की मांग रहे थे, आप जैसा कह रहे हैं कि मुझे मतलब नहीं है वो टिकट मांगे या नहीं मांगे, उनका पर्सनल आरक्षण के दौरान आपकी और कमेटी में जो मेंबर थे क्या सोच रहा है? देखिए, जहाँ तक इनके टिकट का विजय के टिकट का सवाल है, मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा और ये अपने लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल है, ये जो इंडिपेंडेंट। और यही नहीं, हम मान लो हम बाप बेटे बैठे भी हुए हैं, यही नहीं कितने फादर और सन काम कर रहे हैं इसमें, सो देयर इज नथिंग न्यू इन इट एंड नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन इट। आपका गुजर समाज कांग्रेस और बीजेपी दोनों मानसिकता का है, लेकिन आप उनके नेता थे, सर्वमान्य नेता, किसी पॉलिटिकल राजनीति का पार्ट नहीं थे आप उनके लिए। अब ऐसी स्थिति में गुर्जर समाज बड़ा भ्रमित है कि हम कन्नड़ साहब के साथ जाएं या अगर सामने वाली पार्टी में जाएं, किस तरफ जाएं? उस वक्त मेरा मुद्दा सफलता की ओर चल रहा, आई वॉज इन बिटवीन, लेकिन बीजेपी के टाइम में भी जो कुछ हमको मिला वो बहुत कुछ मिला, बीजेपी ने बहुत कुछ दिया। मिसाल के तौर पर एजुकेशन में बहुत कुछ दिया, नौकरियों में बहुत कुछ दिया, और हमको दो ही मुद्दों पर मुद्दों का जो रिजर्वेशन है, एजुकेशन एंड जॉब्स, विच वी गॉट। बीच में हाई कोर्ट का किस्सा आ गया, वहाँ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, नथिंग कुड हैव बीन डन फॉर दिस। इवन देन बीजेपी ने हमारा बिल पास करवाया। बीजेपी ने गुर्जर समाज में, अब हम बात करें अजमेर की, योर क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग आल्सो, आई मस्ट से दैट। देखिए, आज का वोटर वो नहीं है जो 5 साल पहले था। He is very calculative, very judging, very shrewd and pragmatic. He knows what is what. किसने कितना काम किया है, इस सब का आकलन करके आज का वोटर चल रहा है। जहाँ भी मैं इन 2 दिनों में गया हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव साइंस दिखाई दिए। और इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है जो अभी तक शायद नहीं आई बात समझ में, लीडर और वोटर, लीडर और वोटर के बीच में आप परस्पर आपसी विश्वास की कड़ी पैदा होना बहुत जरूरी है। केवल भाषणों से काम नहीं चलता है। किसने समाज के लिए, किसने अपने क्षेत्र के लिए, देश के लिए क्या किया, इस पर सारा आपका वोटिंग सिस्टम आधारित है। अब्राहम लिंकन ने जो कहा है कि एक आदमी को हमेशा के लिए भ्रमित किया जा सकता है, कुछ आदमियों को कुछ समय के लिए भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन समस्त आदमियों को हमेशा के लिए कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। इट्स अ फंडामेंटल ट्रुथ एंड आई अबाइड विद इट। तो इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस, हम पिछले 14 वर्ष से प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हमें आरक्षण मिला भी है। अभी जो स्थिति है मैं समझता हूँ आशाजनक है, कारण कि जब केंद्र ने 10% आरक्षण सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर दे दिया है और उसका गजट भी हो गया, उसका सारी कार्रवाई सही ढंग से हो गई, तो हमें क्यों नहीं? जबकि हमारे आरक्षण के लिए 5% جو آرक्षण ہے MBC کا یا SBC کا, اس کے لیے ہر کمیٹی, ہر کمیشن, ایوری بڈی سیز دیٹ اٹ از اے جینوئن کیس. تو میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ ہمیں ہمارا حق ملے گا اور مل رہا ہے.